भाई श्रीवास्तव, तो नर्वस सिस्टम का ड्राइंग बनाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या सामान लगेगा वो आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको ऐसे दो बॉक्स माउंट बोर्ड लगेंगे सेम साइज़ के, टेप लगेगा, टिश्यू पेपर, फैब्रिक कलर, सीजर एंड पेंसिल और बॉक्स, ऐसे डब्बे होते हैं ऐसे बॉक्स स्टैंड करने के लिए, अमेजोन के जो बॉक्स आते हैं आपके पास इसके अंदर स्टैंड करेंगे हम लोग इसको। तो ये सब चीज़ें आपको यूज़ करने लगेंगी, फेविकोल रहेगा और ग्लू गन आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इस पर डिज़ाइन बना लेनी है नर्व्स की, नर्वस सिस्टम की। तो जैसे आपकी डिज़ाइन है वो आपको ऐसे पूरी बनानी है, ड्राइंग से स्केच कर लेना है, यहाँ पे इसको स्केच करना है, यहाँ पे उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको दिखाने के लिए स्केच करना है, और यहाँ पे हम लोग कुछ कटोरियाँ लगाएंगे उसकी, अंडे की जो खोखले आते हैं उसके, यहाँ पे स्टेप्स ऐसे करके ये एक इसका एक सिस्टम दिखाएंगे और इस स्टेप से ये देखेंगे, बीच में से हम लोग इसको कट कर देंगे, कट करके इसको दूसरे माउंट बोर्ड पे स्टिक करके इसको डबल करेंगे, ऊपर उठाएंगे बिल्कुल इस टाइप से उठा देंगे। उठाने के लिए भी हमको डबल या डबल टेप का यूज़ करेंगे, या फिर इसी डब्बे को कट करके इसके छोटे छोटे पीस को कट कर करके हम इसको लगाएंगे ताकि वो 3D दिखे। तो इस टाइप से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। आपको एक हल्का सा वीडियो बना दिया है, बता दिया है, ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसा रहेगा, उसमें लाइटिंग भी लगेंगी। तो इस टाइप से आपको ये कटिंग एक माउंट बोर्ड पर कट होगा और दूसरी माउंट बोर्ड पे ये स्टिक होगा। इस टाइप से इसको रेडी करना है, ठीक है। मरून कलर कर लिया है, अब धीमे धीमे इसको कलर का कॉम्बिनेशन देने जाएंगे। तो इस टाइप से इसको लेटा लिया गया है ताकि खड़े होने में दिक्कत होती है, और हमने कई सारी चीज़ें लाई इसके लिए, ये दिखाते हैं आपको। ये हमने फैब्रिक कलर लिया हुआ है और ऐसे ये लाइनर फैब्रिक लाइनर आते हैं इनको भी ले लिया है, स्पॉन्ज लिया हुआ है, एक डंडी भी ले ली है यहाँ पे दिखा यहाँ पे लगाने के लिए, ये लाइटिंग लिया हुआ है इस टाइप से, ये देखिए लाइटिंग है, ये इस जगह पे हम फिट करेंगे अंदर साइड से और इसको आप इस टाइप से ऑन करेंगे, ये देखिए ये लाइटिंग है और यहाँ पे अलग लाइटिंग लगेंगी। ये सब मटेरियल हमने ला लिया है, इस टाइप से कुछ भी मटेरियल आपको लेना पड़ता है जो आपको अच्छा आपका प्रोजेक्ट अच्छा दिखे, ठीक है। तो हम इसको पेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने कप्स लगा दिए थे, कप लग गए हैं, इधर भी अंदर कप्स लगे हुए हैं, तो उसको हम कलर करके अच्छा से इफेक्ट दे देंगे। धीमे धीमे से हम कलर कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिला रहे हैं ताकि थोड़ा सा ब्राइट दिखे, ठीक है। केवल आपको येलो नहीं लगाना है, हल्का सा पानी और कलर लेना है, फैब्रिक कलर लेना है, फैब्रिक कलर से क्या ग्लो ज़्यादा है और आपको फैब्रिक कलर पानी बहुत नहीं मिलाना है, बहुत ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो बहुत पतला हो जाएगा, तो आपको मोटा रखना है इसको, बहुत जहाँ ब्रश चल ना पाए वहाँ पे आपको कलर यूज़ करना है, हल्का सा पानी लेना है, थोड़ा सा बहुत कम पानी ले रहे हैं, कलर ले लिया और दोनों साइड को ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड मुझे करना है, फिर इसको मरून कलर करके शेप दे देंगे जो इसमें शेप है। यहाँ पे भी हम सब कलर करेंगे इसको, धीमे धीमे इसको कलर ऐसा कर दिया है, ठीक है। अब हम इससे लेकर के इसमें डॉट डॉट लगाएंगे, सबको से डॉट डॉट अभी लगा देंगे इसमें जहाँ पे जो भी चीज़ पिंक से वो करेंगे। तो बना दिया है, अब ये सूखेगा, सूखने के बाद ही हम लाइटिंग लगा सकते हैं इसमें। तो डॉट वॉट सब दे दिया है सब इस चीज़ को, यहाँ पे हमने ये बनाया स्पार्कल का, पहले फोम को लपेट लिया है, उसके ऊपर फेविकोल को लगाएं और डंडी पे, और इसके ऊपर हम ये स्पार्कल इसको रख डाले हैं, बॉटल में से स्पार्कल आते हैं इस टाइप से, इसको पूरा हम इसके ऊपर डाल दिए, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पे लगाने के काम आएगा, इस जगह पर हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे इस पर डिस्प्ले में इसको दिखाएंगे, ठीक है। इस टाइप के डिस्प्ले में ये जाएगा, इसके लिए बना रहे हैं। तो ये अभी सूखेगा तभी हम इसे कुछ कर सकते, क्योंकि सब गीले हैं अभी, इसको अभी नहीं छू सकते बिल्कुल, सूखने के बाद ही इसको टच करेंगे।
अभी लाइटिंग की फिटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने ये स्टिक लगाई है, तो इसको सूखने के बाद ही सूख सकते हैं। और यहाँ पे इसको ही बना दिया, ये भी सूख रहा है। लाइटिंग सुबह ही लगा सकते हैं। लाइट को हमने जोड़ लिया है, ये सब दो दो लाइट को हमने जोड़ लिया है। और यहाँ पे हमने होल कर लिया है, अब इस होल में इसको डालेंगे। यहाँ पे हमने एक बैटरी ली हुई है, इससे ये स्विच लगाया हुआ है, ये स्विच इससे लगा हुआ है, यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है। उसके बाद हम सारी लाइट को इससे जोड़ेंगे। तो अब हम इसको करने जा रहे हैं, यहाँ पे होल कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको सबको हम फिट करने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने सबको एक दूसरे से जोड़ दिया है। एक वायर इसका यहाँ पे है, एक वायर देखिए यहाँ पे है, इसका एक वायर यहाँ से यहाँ पे गया है और एक यहाँ से हमने यहाँ जोड़ा है। और इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है सारी लाइट को। बाद में हम इसको सेल्फ ट्यूब लगा देंगे। अभी हम इसको ऑन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ से ऑन करेंगे, टाइटल लिख दिया, यहाँ पे इसके लेवलिंग कर दिए, यहाँ पे बल्ब लगा दिया हमने, ये यहाँ से इस तरह से पीछे से बना दिया इसको, ये आराम से जाएगा ऊपर नीचे। बच्चे इसको बताएंगे ब्लू रंग का, ठीक है, यहाँ फंसा देना आपको। अब यहाँ पे बल्ब है, ये बल्ब की हमने फिटिंग करा कर ली है। ये खुद से नहीं होता, आपको इलेक्ट्रिशियन शॉप पर जाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लगता है। ये देखिए इस टाइप से सबके अलग स्विच है, सब में रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है। और ये बैटरी है इसकी, और ये लाइट है, येलो लाइट के लिए येलो होल किया हुआ हमने, और रेड के रेड होल कर दिया है। अब इसमें सब लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लाइट जलने लगी है सारी, यहाँ से भी हम इसकी लाइट ऑन कर दे रहे हैं, ऑन हो गई है। और यहाँ पे भी लाइट चल रही है, पीछे से मॉडल वो रेडी हो गया है। और ग्रीन लाइट यहाँ से बंद हो जाएगी जब भी ये सारी स्विच यहाँ पे लगी हुई है। इसको भी हम अभी चिपका देंगे ग्लूगन से। ग्रीन केबल चल रही है, अभी ग्रीन ऑफ कर दिया हमने, रेड जला देते हैं। तो ये रेडी हो गया मेरा मॉडल। थैंक यू इस वीडियो के लिए आप लोगों को।